हरिम अग्निदेता वात देता सूर्य देता चंद्रमा देता वाशव देता रुद्र देता आदि। शाहबाद मार्कंडा पहुंचे गुरकिरत सिंह कोटली का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कैबिनेट मंत्री गुरकिरत सिंह कोटली व उनकी धर्मपत्नी श्री मार्कंडेश्वर मंदिर प्रांगण में पहुंचे। मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए गुरकिरत सिंह कोटली ने कहा कि पंजाब सरकार अहम फैसले ले रही है। साढ़े चार साल साड़ी सरकार ने बड़ी वड्डी कोशिश की है पंजाब नूं इकोनॉमिकली पैरां ते खड़ा किया और जोड़ा खजाना खाली से उस खजाने की हालात ठीक किए डिवेलपमेंट की पंजाब सड़कों के उत्ते बहुत वड्डा काम होया और माहौल अच्छा बनया इंडस्ट्री आई इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा 1,00,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट साढ़े साढ़े चार साल पंजाब आई है जी कि ग्राउंडड कंक्रीट रियलिटी के लग रही है और समा थोड़ा होया हजे 1.5 महीना होया काम कर रहे हैं असी और इस 1.5 महीने के असी बहुत बड़े इतिहासिक फैसले पंजाब के लोगों ने लिते हैं। बिजली सस्ती की है उन्होंने जोड़े बकाए क्योंकि कोरोना च बहुत कम काज नुकसान होया लोगों का और लोगों की जेब के उत्ते भी बड़ा माड़ा असर पिया। सो उस चीज़ को देखते हुए असी जोड़े पुराने उन्होंने कोई जो बिजली के बिल से अलग अलग आ रहे थे जोड़े कि भरने बड़े मुश्किल से असी वो भी पंजाब सरकार ने वो असी उसकी अदायगी कर दी है। देखो तरक्की क्योंकि असी अपने पंजाब के हितों नहीं लड़ रहे हैं वो अपने हकों नहीं लड़ रहे निजी तौर पर अकाली दल ने तो हमेशा ही कुर्सी तरजीह दी है। सो इस करके वो जान बुझ के शोर मचा के क्योंकि उन्होंने कोई इशू नहीं कोई गल नहीं कहन इस करके हुण तो सारे मसले पंजाब के हल हो चुके हैं। तो इस करके हुण रौला पाउणा उन्हां लई सुभाविक है उन्हां नूं अपनी जिहड़ी सियासी जमीन आ खुस चुकी है उस नूं हासिल करन लई वो उच्ची उच्ची आवाज़ च गल कर रहे हैं पर लोकां च उन्हां दा कोई जिहड़ा प्रभाव नहीं पै रहा कोई लोकां तक उन्हां दी कोई पहुँच नहीं हो रही और असी हर मुद्दा जिहड़ा लोक हित नाल जुड़िया उहनूं टच कीता। सर मौजूद देखो नशे जिहड़े ने पिछले 10 साल जो इन्हां दी सरकार सी उदों धड़ाधड़ बिक रहे थे व्यापार हो रहे सी नशियां दा रुपये कमाए जा रहे थे पंजाब की जवानी नूं नशियां च ग्रस्त किया जा रहा सी और साड़ी सरकार आई असी जीरो टॉलरेंस की नशियां दे उत्ते बहुत वड्डा सकंजा कसिया जिहड़े व्यापारी सी उन्हां दी जिहड़ी चेन बनी हुई सी असी उस नूं ब्रेक किया और उहदे नाल नाल जिहड़े वड्डे मगरमच्छ सीगे जिन्हां दीआं अज्ज बंद लफाफिआं च रिपोर्ट्स पईआं ने उह हुण खुलण दा डर आ उहनां नूं और उहनां ने पहलां समां जिहड़ा अपना कढ़ने की कोशिश की कि किसी तरीके भी लिंगर ऑन किया जाए इन समय में होर अगे लिया जाए पर हम साड़ी सरकार बड़ी मुस्तैदी नाल इन्हां दे खुलासे करेगी और जो सच सामने आएगा लोगों को पता लगू कि किहड़े लोग शामिल से। देखो कृषि कानून जिहड़े ने वह बेवजह थोप दिते गए खास करके उहदा सब तो वड्डा नुकसान पंजाब और हरियाणा होया किसान नूं होया खेत मजदूर नूं होया आढ़ती ने जिहड़े उन्हां दा रिश्ता तोड़न की गल जिहड़ी सरकार कर रही है BJP की जिहड़ा कि असी उस नूं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करांगे और साड़ी कांग्रेस ने और साड़ी पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन्हां कृषि कानूनां का विरोध किया डे वन तो पहले दिन तो असी इसका विरोध करते आ रहे हैं और अज भी साडा विरोध जारी है। सो केंद्र सरकार नूं घट्टो घट किसानां दी खेत मजदूर दी सुननी चाहिए है जिहड़ी कि वह सुनवाई नहीं कर रहे और जिहड़े गलबात दे रस्ते ने वह भी बंद कर दिते गए हैं। तो अज किसान किन्ने लंबा समा हो गया बड़िया जाना भी चलिया गई बड़ा संघर्ष चल रहा अज भी सड़कों के उपर बैठे ने किसान पर दिल्ली की सरकार अड़ियल रवैया दिखा जो किसान पंजाब और एक नौकरी असी दे दी है और क्योंकि पंजाब सरकार किसानों नाल खड़ी है खेत मजदूर नाल खड़ी है आढ़ती है व्यापारियों नाल खड़ी है। सो इस करके जो भी हर संभव कोशिश की है सरकार ने और असी इस अंदोलन के संघर्ष के असी पंजाबियों नाल लोगों नाल सर लास्ट क्वेश्चन सर मतलब 1% कोई फर्क नहीं पैण वाला कांग्रेस पार्टी बहुत वड्डी पार्टी है पार्टी वड्डी होंदी है इंडिविजुअल कोई वड्डा नहीं होंदा। सो इस करके
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।